हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन देयर. दिस इज़ मी, योर साइंस टीचर सोनम द्विवेदी हेयर, एंड वी ऑल आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 12, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स. इस चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, और हमारे घरों तक जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैसे पहुँचती है. ओके, सो ऑल द टॉपिक्स वी हैव क्लियर्ड, एंड दिस इज़ द न्यू टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कोई एक सोर्स होना चाहिए, सेल और अ बैटरी. अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट, अ बल्ब. ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो सेल या बैटरी से रन करता है, मीन्स जिसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है. कनेक्टिंग वायर्स मीन्स अगर आप कोई भी सर्किट जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास कनेक्टिंग वायर्स, कोई ऐसा वायर होना चाहिए, दैट शुड बी कंडक्टिंग वायर. ओके, ऑन ऑफ स्विच और की टू मेक और ब्रेक द सर्किट. ऑन और ऑफ का एक बटन होना चाहिए जो आपके सर्किट को बना सके और ब्रेक कर सके. ओके, सो यू कैन सी इन फिगर नंबर 12.9 अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच यू कैन सी अ सेल और अ बैटरी, अ स्विच, अ बल्ब एंड वायर्स. ओके, आपको पता होगा जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कैसा हो जाता है, क्लोज. जब क्लोज सर्किट होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें रन करती है और आपका जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो रन कर पाता है. अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो सर्किट कैसा हो जाता है, ओपन. तो ये कैसा है, रिवर्सिबल है. व्हेन स्विच इज ऑफ देन सर्किट विल बी, व्हेन स्विच इज ऑन द सर्किट विल बी क्लोज सर्किट. ओके, और जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट. ओके, इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, कैसे वर्क करता है. द इलेक्ट्रिक सर्किट यू हैव जस्ट मेड इज एक्सीलेंट, बट देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम इन इट. यू कैन नॉट स्विच ऑन एंड ऑफ द बल्ब एंड इट विल कंटिन्यू टू लाइट टिल द सेल इज नॉट लाइट. अगर आपने आपके सर्किट में सेल का यूज़ नहीं किया है, सॉरी, अगर स्विच का यूज़ नहीं किया है तो आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर उसमें करंट रन करेगा और जो भी आपका बल्ब है वो हमेशा जलता रहेगा जब तक कि वो सेल चार्ज है. इसीलिए आपको स्विच यूज़ करना होता है. जब आप चाहें तब आप सर्किट को क्लोज करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, और जब आप नहीं चाहते हैं तो आप स्विच को ऑफ कर सकते हैं. ओके, सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स एंड द टू टर्म्स विच आर ओपन एंड क्लोज सर्किट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12.11, इन विच द फर्स्ट फिगर इज इंडिकेटिंग ओपन सर्किट एंड द सेकेंड वन इज क्लोज सर्किट. आप देख सकते हैं ओपन सर्किट अगर है तो आपका बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो चुका है, और सर्किट जब क्लोज है तो क्या है, सॉरी, स्विच जब ऑन है तो सर्किट कैसा है, क्लोज है और बल्ब आपका जल पा रहा है. ओके, तो ये आप घर पे भी ट्राई करें, मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच. आप इसको बनाने का प्रयास करें. ओके, एक्टिविटी 12.2. इलेक्ट्रिक सिंबल्स आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन. द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइड सिंबल्स इन अ सर्किट डायग्राम. इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से किसके सिंबल हैं. पहला है सेल का सिंबल, क्या होता है, इस तरीके का. ओके, जिसमें वन साइड पॉजिटिव है एंड अदर इज नेगेटिव. बैटरी का अगर होता है तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, बट बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है. कनेक्टिंग वायर्स अगर हैं तो इस तरीके से होता है उसका सिंबल. ओपन स्विच अगर होगा तो ये वायर एक ऊपर से इस तरीके से उठी हुई होगी. क्लोज सर्किट में सारे वायर्स या जो भी वायर के कॉर्नर्स हैं वो सभी आपस में टच्ड होंगे. ओपन की होगी तो इस तरीके का आपका बनेगा, क्लोज्ड की में पूरा बंद रहेगा. इलेक्ट्रिक बल्ब इज दिस वे. ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव